नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। ईडी ने नेशनल हेरॉल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी कर दिया है। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने राहुल को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया है। दोनों नेता ईडी के सामने पेश होंगे। कांग्रेस ने दावा किया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से नोटिस आया है, लेकिन पार्टी और उसका नेतृत्व डरने और झुकने वाले नहीं हैं। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप लगाया कि देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि इस समन को बीजेपी कानूनी प्रक्रिया बता रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस कानूनी प्रक्रिया से आखिर किस तरह से सामना करेगी। देखिए, आईएनसी का आज के बाद फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि आई नीड करप्शन, आई नीड कमीशन होना चाहिए और AICC ऑल इंडिया कांग्रेस करप्ट कमिटी कहलानी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे मामले में नेशनल हेराल्ड के नाम पर AJL को दी गई पब्लिक की 2000 करोड़ की संपत्ति को अपनी जेब में डालने के लिए यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल करने की कोशिश गांधी परिवार ने की, और भ्रष्टाचार के इस प्रथम परिवार ने जिस प्रकार से जब भी वो सत्ता में रहा है देश के संसाधनों को लूटने का प्रयास किया गया है, आज जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी रूप से, तो आज कोऑपरेट करने के बदले ये परिवार फिर से एक बार वेंडेटा पॉलिटिक्स का विक्टिमहुड कार्ड खेल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि यदि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी तो इतने वर्षों में भ्रष्टाचार के प्रथम परिवार के पास बहुत सारा उपाय था कि वो कोर्ट से जाकर इस पर खारिज करने का आदेश ले आते, इस पूरी प्रोसीडिंग को बंद करने का आदेश ले आते। परंतु जब वो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि इनकम टैक्स के रीअसेसमेंट ऑर्डर जिसका संबंध नेशनल हेराल्ड केस से है उसके ऊपर स्टे लगाया जाए, उसे क्वाश किया जाए, तो वहाँ पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली थी, उन्हें वहाँ से कोई मदद नहीं मिली थी। इन तथ्यों का कोई खास मायने नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अभी वाला जो नोटिस है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का, वो 8 तारीख को उनको बुलाता है। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो भी उत्तर होते हैं, तथ्य होते हैं, जो कानूनी जवाब होते हैं, वो सब उनको दिए जाएंगे। कानून की एक प्रक्रिया है, उसको देखा जाएगा, लेकिन हमारा आज का उद्देश्य वो है जो हमने आपको बताया है। 8 जून बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल 100% जाएंगे। 8 जून, आठ मैंने कहा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जाएंगी, अगर राहुल जी यहां हुए तो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय मांग सकते हैं, वो हमको पता नहीं डिटेल्स अभी। लगातार अब नेशनल हेराल्ड केस में सम्मान आने से सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। AJL पर 90 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था। इसी को ख़त्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को AJL के 9 करोड़ शेयर बेच दिए गए और कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया AJL की देनदारियाँ चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज़्यादा ना होने से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। AJL की देनदारियाँ चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था वो भी बाद में माफ़ कर दिया। और अब आगे क्या क्या इसमें होना है इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत प्रजापति कांग्रेस से, नेहा चालनी दुआ बीजेपी से और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर राष्ट्रधर्म में। सबसे पहले दिलीप जी आपके पास आएंगे। बार बार
नेशनल हेराल्ड मामले में उछाल आता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं जी, बार बार उछाल आता है ठंडे बस्ते में जाता है ऐसा नहीं है। देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया होती है और इसमें मल्टी साइडेड इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोअर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी। तो बड़ा केस है, मल्टीफोज इन्वेस्टिगेशन है, कभी कहीं कोई दाव पेच फंस जाता है, कभी कहीं जाओ पेच, क्योंकि हमारे देश में कानूनी उलझने भी बहुत हैं, लीगल ओवरलैपिंग्स भी बहुत है, और बहुत सारी चीज़ों में इस यहाँ की परमिशन, उनसे कंसेंट, उनसे फाइल साइनिंग, ये चीज़ें होती हैं, और इन्वेस्टिगेशन टाइम लेता है, इन्वेस्टिगेशन है, फिर इनको मौका दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं जो इस दौरान होती हैं फाइनल कंक्लूजन के दौरान। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ठंडे बस्ते में चला जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्पीटिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये नॉर्मल केस की तरह चल रहा है। अब आज जैसे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस आई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत बाद में हुआ, क्योंकि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस के लिए कंप्लेंट करी तो उन्होंने ईडी को इन्वॉल्व नहीं किया था, ईडी का इन्वॉल्वमेंट बाद में हुआ, कि ऐसा तो नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इसमें आ रहा है तो ईडी इन्वॉल्व हो गया। तो हर जो एजेंसी है वो अपने प्रोसेस के हिसाब से कार्यवाही कर रही है, और ये चलेगा, अभी लंबा चलेगा, क्योंकि एक जैसे आपको इस केस की हिस्ट्री में अगर पता हो कि जो लोअर कोर्ट में पहले इसकी कंप्लेन हुई, फिर जो अपोनेंट्स थे वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने किसी मामले में स्टे किया, किसी मामले में स्टे नहीं किया, फिर वो पर्सनल अपीयरेंस के हुआ, फिर पर्सनल अपीयरेंस को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये जो लीगल हायरार्की है, जिसका जिसको मतलब न्याय पाने का अधिकार सभी को इस देश में, उस न्याय पाने के अधिकार को हर आदमी जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ उसको वो भुनाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कार्यवाहियों में देर होती है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अड़चने आती रहती हैं। नहीं, हमने दरअसल इसलिए कहा दिलीप जी के, जैसे ईडी का संबंध मिला सियासी बयानों की तलवारें निकल गईं और शब्दों की मारकाट मचने लगी और दोनों ही दल एक दूसरे के सामने हो गए, तब हमें कहना पड़ा। वो तो देखिए ऐसा है कि चूंकि दो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और इस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय भाजपा के टारगेट पे ये दोनों लोग हैं। 2024 का इलेक्शन आने वाला, देखिए हर चीज का पॉलिटिकल मायने तो होता है, अगर पॉलिटिकल बयानबाजी होती है तो उसके दोनों मायने होते हैं, ये जो कार्यवाही हो रही है ये पॉलिटिकल एंगल से हो रही है या इस कार्यवाही का अपोजिशन पॉलिटिकल एंगल देकर के फायदा उठाना चाहता है। क्योंकि अपोजिशन यानी कि सोनिया और राहुल जी हमेशा ये कहेंगे कि हमको फंसाया गया है, हमको ये जबरदस्ती जो है कानूनी दाव पे इसमें धकेला गया है। इससे क्या होगा कि वो अपने अपने समर्थकों में, अपने कार्यकर्ताओं में इस बात की सिंपति गेन कराना चाहेंगे, और जो रूलिंग पार्टी है वो इस बात का फायदा उठाना चाहेगी कि देखिए ये भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, ये किया वो किया, पब्लिक मनी का मिसयूज किया, जैसे कि 90 करोड़ का लोन का मामला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड को दिया, तो ये रेस्ट्रिक्शन तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी है और इनकम टैक्स एक्ट में भी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चंदे के पैसे का इस्तेमाल किसी कॉमर्शियल पर्पस से नहीं कर सकती है। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो है, सिटिंग जो सत्ता है वो इस बात का को हाईलाइट करके इन्हें डिफेम करने की कोशिश करेगी, और विपक्ष इस बात का शेल्टर लेकर के अपने आप को बचाने की और संपत्ति गेन करने की कोशिश करेगा। तो जब पॉलिटिकल लोग या पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो हर चीज का राजनीतिकरण होता ही होता है। भरत प्रजापति जी, आप कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, और लड़ाई में कहीं दिख नहीं रहे हैं। हाँ, नमस्ते त्रिशूल जी, और हमारे सभी पैनलिस्ट को नमस्ते, आपके दर्शकों को भी नमस्ते। देखिए यहाँ लड़ाई झुकने की और लड़ने की नहीं है, यहाँ पर एक राजनीतिक लड़ाई ये बीजेपी वाले जो भी हैं ये लड़ रहे हैं। अगर आपको याद दिला दूं तो ये 8 साल से सरकार में है, 2015 से इन्होंने इसका ट्रायल चालू किया था, तो इतने बार क्या कर रहे थे। अब राज्यसभा के चुनाव आ गए तो आप ये चाहते हो कि आप सुभाष चंद्र, जो आपके खासम खास है, आपको हर तरह से मदद करते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से, काफी ये चीजें हैं, तो आप चाहते हो कि कांग्रेस के काफी एमएलए को हम इस तरह से डराए कि भाई हम आपके मुखिया को डरा सकते हैं, तो आप क्या हो। तो आप कैसे भी करके हमारे सपोर्ट में राज्यसभा के जो भी 2-3 एक्स्ट्रा उम्मीदवार हम भेज रहे हैं उसको जिताने की कोशिश करें,
देखिए ये सब इनके राजनीतिक मान्य है। अगर त्रिशूल जी इनको मैं घिना हूं, अगर ये बात करते हैं इस घोटाले की, सुभाष चंद्र कहाँ आ गए इस लड़ाई में? इसमें कोई सत्यता नहीं है भरत जी, इसमें कहाँ सुभाष चंद्र आ गए इस लड़ाई में, मेरे ये समझ में नहीं आया। नहीं 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 नहीं, आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे त्रिशूल जी तो अलग चीज है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है। नहीं नहीं, एक बार रुकिए, दिलीप जी कहाँ इस लड़ाई में ये सुभाष चंद्र आगे, जरा समझाइए। क्या पता मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप समझा दीजिए। दिलीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ये आपकी जो आवाज है वो बहुत ईगो कर रही, इनकी आवाज बहुत ईगो कर रही थी, मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या कहा। ये दिलीप जी ये कह रहे हैं कि ये सुभाष चंद्रा के कारण ये हो रहा है, ये सुभाष चंद्रा कहाँ इस लड़ाई में आ गए, जरा मुझे बताइए। सुभाष चंद्रा जी टीवी वाले? हाँ, क्या लेना देना उनका इस लड़ाई? सुभाष चंद्रा को देखिए, उनके साथ एक टैग लगा हुआ है कि वो भाजपा के हैं, वो चैनल भाजपा का चैनल। अरे नहीं सर, पर ये हमारा क्या लेना देना है इसमें, हमारा क्या लेना देना है एएनबी का, आप बताइए इसमें। नहीं, आपका भी लेना देना नहीं है, उस केस का भी लेना देना नहीं है। ये केस तो बहुत पहले से चल रहा है, और इस केस में जो फैक्ट्स हैं उस फैक्ट का सुभाष चंद्रा से कोई लेना देना नहीं, मतलब ही नहीं है। भरत जी कैसी बात आप कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, त्रिशूल जी, मैंने 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 इस संदर्भ में नहीं कहा है कि आपके चैनल का, मैंने मैंने कहा है कि ये इस तरह के षड्यंत्र, ये इस तरह के चुनाव के टाइम पे ही रचते हैं। अगर इनको इनको घोटालों की बात करनी है तो इनको शिपयार्ड घोटाले के बारे में बताएं भाई, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है 22,842 करोड़ का। रुचि सोया का आपने किस तरह से डील करवाया, आपने अडानी बाबा रामदेव में किस तरह से लड़ाई, आपने 3,000-4,000 करोड़ की कंपनी थी, 8,000 करोड़ का आपका उसमें बकाया बैंक का बाकी था, बाबा रामदेव से आपने 1,000 करोड़ लिया, बैंक से 3-4 हजार करोड़ दिलवाया, आपने वो पैसा भी शेयर निकाल के उसके आईपीओ निकाल के आपने रिकवर करवा दिया। तो ऐसे तो घोटाले इनके कितने निकलेंगे, जबकि इसमें कोई नेशनल हेराल्ड केस में कोई सत्यता है ही नहीं। अगर अगर आपके पास कोई सबूत होते, कोई प्रमाण होता तो बात अलग है, ये आप सिर्फ डराने के सिवा आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, और आप समाज में संदेश भेजना चाह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया इस तरह के घोटालेबाज है, तो आप कब तक इस तरह का काम करते रहोगे ना? कोई सत्यता कोई प्रमाण रहेगा तो आप दिखाओ। अगर आपके पास प्रमाण जय शाह का हो सकता है, अमित शाह के बच्चे का हो सकता है, 50,000 से उसने ऐसा कौन सा धंधा कर दिया हो 16,000 करोड़ की कंपनी बन गई। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में वो कौन से बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए हैं? आज प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके कंपनी को क्यों दिया जा रहे? आज मुंबई में वसई जैसे एरिया में 300 एकड़ का कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का काम है, क्यों उसके उनके कंपनी को काम दिया गया है? आप नोटबंदी के अंदर आज 101% 500 के नकली नोट आ गए, आप 2000 के 50% नकली नोट आ गए, नोटबंदी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, आप क्यों नहीं इसके बारे में बात करते हो? आप जब इस तरह के चुनाव आते हैं, मेरा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, इसके तहत कुछ ना कुछ अपनी राज्यसभा में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भारत प्रजापति जी, क्या लगता है कि आपने जैसे कहा है कि हम लड़ने को भी लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, लेकिन लड़ाई में नज़र नहीं आ रहे ना आप कहीं, और आप आरोप अलग अलग तरह के लगा रहे हैं। आरोप तो त्रिशूल जी उनके तरफ से लग रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में अगर हमारे नेता और हमारे अध्यक्ष का नाम अगर आप जोड़ के देख रहे हो तो आरोप तो आप लोग लगा रहे हो। हमारे तरफ से कोई आरोप नहीं, हमारे तरफ से अगर कोई आरोप लगते हैं तो जनता के मुद्दे पे लगते हैं। जो आपने वादे करके सरकार में आए थे उस चीज के ऊपर आरोप लगते हैं। आप अगर
ये नहीं मानते तो अलग है, अगर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता नेता है, अगर मोदी जी के और हमारे कुछ बीजेपी के दूसरे नेताओं के वीडियो पिछले 2014 के पहले 2019 के पहले का देख लेंगे तो इनको समझ में आ गया कि कौन से मुद्दे पे हम सत्ता में आए थे, तो हम उस मुद्दे की बात करते हैं। ये सिर्फ डरा कर धमका कर कहीं ना कहीं राज्यसभा का इलेक्शन आया तो ये चीज क्यों निकली भाई? आप ये चीज बताइए, जबकि इसमें कोई सत्यता है ही नहीं, जबकि आपके पास कोई सबूत रहेगा तो आप बताइए। ये भी चीज अगर हम देखते हैं, ठीक है ठीक है। नेहा जी आप ही के पास आ रहे हैं। नेहा जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये हमें कितना भी डरा लें, हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, तो आप कितना कितना डरा रहे हैं, कितना झुकाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को? त्रिशूल जी मेरे को यही नहीं समझ आ रहा कि इसमें डराना धमकाना ये क्या है, ये सिंपथी कार्ड जो है ये खेल रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किया, जैसे कहते हैं लोगों के पैसे मारे या बहुत सारे ऐसे काम किए जो नहीं करने चाहिए, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो कांग्रेस के टाइम में कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला। तो प्रॉब्लम इनको ये है कि इन्होंने जो घोटाले करे वो ना ईडी देखे, ना सीबीआई देखे, ना पुलिस देखे, कोई भी नहीं देखे। क्यों? क्योंकि वो श्रीमान श्री गांधी परिवार से बिलोंग करता है, तो ये सोचते हैं कि ये कोई मुगलों का टाइम है या राजा महाराजाओं का टाइम है कि राजा महाराजा कुछ भी करे, अत्याचार करे चाहे प्रजा पे, लेकिन उनके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं हो। शायद वो भूल गए कि लोकतंत्र है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें न्यायिक न्यायिक जो प्रक्रिया है वो सबके लिए बराबर है, चाहे फिर कोई राजा हो चाहे वो रंक हो। तो अब ये बात इन लोगों को अच्छी तरह समझ नहीं आ रही है, हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि शुरू से गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है कांग्रेस। अब उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस मीन्स गांधी परिवार, गांधी परिवार मीन्स कांग्रेस, तो कैसे इन्होंने ऑब्लिगेशंस लगाई है गांधी परिवार, कोई आज लगाई है या हमने लगाई है? ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना जांच कर रही है, एनआईए अपना जांच करता है, हर जांच जो एजेंसियां होती हैं वो काम अपने लिए करती हैं कि जनता की सुरक्षा जो है उनके हाथ में होती है, कि जनता के साथ कोई फ्रॉड ना किया जा सके। तो आप अगर जनता के साथ फ्रॉड करके सोचो कि आज आपकी सरकार नहीं, जब तक आपकी सरकार की तूती बोलती थी तब तक कोई बात नहीं, तब तक सब चलता था, और आज आप सीबीआई को तोता बोल देते हो और पुलिस को आप पपेट बोल देते हो, आप ईडी को क्या कहते हैं पालतू बोल देते हो। तो मुझे लगता है कांग्रेस को आदत पड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने टाइम पे शायद ईडी को पालतू बना रखा था और सीबीआई को तोता बना रखा था और पुलिस जो थी वो इनकी पपेट थी, तो जो ये खुद करते थे अब ये उम्मीद रखते हैं कि शायद हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मौजूदा सरकार है, वो भी यही कर रहा है, पर हम ये सब नहीं कर रहे। आपके पुराने चिट्ठे जो है वो जनता ने खुलवाए हैं, न्याय होगा और अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो आपको सजा भी मिलेगी, फिर आप किसी भी ओहदे पे हो, फिर आप चाहे राजा हो चाहे रंक हो, तो इस बात को आपको कबूल कर लेना चाहिए। हम तो कहते हैं अगर आप ये इस वक्त सिंपथी कार्ड जो खेल रहे हैं, बार बार बोला जाता है कि इलेक्शन आते हैं तो ईडी का शिकंजा तेज हो जाता है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, साल भर तो इलेक्शन रहते हैं, कौन से साल में कौन सा ऐसा महीना एक दो होते हैं, आप मुझे बता दीजिए, लगातार 2 महीने जहां कोई इलेक्शन ना होता हो, तो इलेक्शन तो शुरू से हो रहे हैं, अब आप सिमटते जा रहे हो इतनी बड़ी पार्टी से, आज आपके पास सिर्फ 2 राज्य क्यों रह गए हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपकी जो सोच है ना वो झूठी हो चुकी, आप जो बोलते हो आपकी कथनी करने में फर्क है, और ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कहती है। अगर आपको ये वेंडेटा लग रहा है, जो कि वेंडेटा है ही नहीं है इसमें, तो इन्होंने जो ये बवाल खड़ा किया मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, वेंडेटा क्यों है? अगर आपके टाइम में कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हुआ, अगर 2G घोटाला हुआ या XYZ कोई भी घोटाले हुए, वो फोर्स घोटाला हो, कुछ भी हुआ, आप मुझे बताओ क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये मत देखिए ना कि गांधी परिवार है, ये देखिए कि कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता, कोई बड़ा नेता हो, अगर वो पकड़ा जाता है और कहीं ना कहीं उसको उसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं, तो ये तो न्यायालय का काम है कि उसे बाइज़त तो बरी करे, या उस पे जो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि
एकाध भाजपा कार्यकर्ता का नाम बताइए जिस पर छापा डाला हो ईडी ने और उसको सम्मन भेजा हो जी, इन 8 सालों में जी, और उसको कटघरे में खड़ा किया हो, तो ये लगता है ना कि हाँ, आप भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई है एकाध नाम? नहीं, बिल्कुल क्यों एकाध नाम बोलूं मैं, ये इनका काम है निकालना। ये हमारी पार्टी में अगर कोई ऐसा है जिसने भ्रष्टाचार किया, 2G घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला किया, या कोई कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला किया, या कोई भी घोटाला किया, तो बताएं ना। ये अभी इन्होंने प्रधानमंत्री जी की मतलब का नाम लगाया था अपना राफेल में, जिससे सुप्रीम कोर्ट को इनके श्री श्री राहुल गांधी जी को फटकार सुननी पड़ी कि बिना सोचे समझे एलिगेशंस मत लगाए करो, कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेफजूल में आप किसी का भी नाम ले दे, कोई प्रूफ हो, कोई तथ्य हो, तब नाम लिया जाता है। तो ईडी अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है, हम इसमें क्या कर रहे हैं? हमारा काम है कोई भी घोटालों को बाहर लाना। और आपका भी काम है कि अगर सरकार का भी कोई दिखता है आपको कि किसी कार्यकर्ता ने कोई घोटाला किया, तो लेके आइए बाहर। नहीं नहीं, हमारा तो काम हम कर रहे हैं बखूबी से, आगे भी करते रहेंगे। नेहा जी, दिलीप यशवर्धन जी, मैं आऊंगा भरत जी आपके पास। क्या लगता है आपको कि कोई मिला नहीं होगा विपक्ष में, पक्ष में, गठबंधन में एजेंसियों को? मान लीजिए एजेंसियों के जितने नोटिस मिल रहे हैं, जितने छापे पड़ रहे हैं, सब कांग्रेस और गठबंधन पे, कांग्रेस के जो साथ में लोग हैं या जो सरकार के खिलाफ हैं उन पे पड़ रहे हैं, कहीं बीजेपी कार्यकर्ता पे भी पड़ना चाहिए छापा। बीजेपी के भी कहीं लोग कोई होंगे भाई, कोई जेडीयू के भी होंगे, तो उनके गठबंधन में कोई पकड़ा नहीं गया, तो क्या माना जाए? यूपीए ही बेईमान है और एनडीए ईमानदार है पूरी तरीके से? नहीं, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अपोजिशन हमेशा बेईमान होता है और सत्ता हमेशा साफ, ये सबके राज्य में होता है, कोई नई ये परिपाटी कोई ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने किया, आज भाजपा सत्ता में है तो भाजपा कर रही होगी। मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें हमेशा होती है और मशीनरीज का इस्तेमाल सत्ता के द्वारा किया जाता है, इसमें भी कोई दोहराया नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने इस केस को इनिशिएट किया था वो भाजपा के ही हैं, ये सभी लोग जानते हैं, और उन्होंने जब इस चीज को इनिशिएट किया था। लेकिन सारी चीजों के अलावा बात ये है कि जब कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन पहुंचती, मैं एक बात को ये मान लेता हूँ कि ईडी सरकार के कहने पे काम कर रही होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्फ्लुएंस में काम कर रहा होगा, लेकिन जो कोर्ट्स होती हैं वो कोर्ट सरकार के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। जुडिशरी जो हमारे देश की डेमोक्रेसी की हायरार्की बनाई गई, इसमें 4 पिलर्स कहे गए हैं, उसमें जुडिशरी को सबसे ऊपर रखा गया है, और ऊपर इसीलिए रखा गया कि जब कोई एजेंसी ठीक तरीके से काम नहीं करती है, कानून का दुरुपयोग करती है, अधिकारों का दुरुपयोग करती है, तो उसको देखने का काम जुडिशरी का है, सुधारने का काम जुडिशरी का है, इसीलिए उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है कि वो किसी को नहीं देखता, वो इविडेंसेस पे काम करता है। और अगर इविडेंसेस राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ हैं तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार का कोई रोल है, सरकार हो सकता है कि इसको इन्फ्लुएंस कर रही हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर 90 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते से निकल करके यंग इंडिया लिमिटेड के खाते में पहुंचे तो इसमें भाजपा या सरकार का कोई रोल नहीं है। अगर असेट्स का या जो शेयर्स का ट्रांसफर बिना शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए हुआ तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का और वर्तमान सत्ता का कोई रोल नहीं है। ये जो पुरानी AJL कंपनी थी ये 1936 या 38 में बनाई गई थी, जिसको स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, तो उस कंपनी को बनाने में भाजपा का और सत्ता का कहीं कोई रोल नहीं था। उसके बाद जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले जाने में कहीं कोई रोल भाजपा का और सत्ता का नहीं है। तो एविडेंसेस अगर आपके खिलाफ हैं और ट्रांजेक्शन आपकी कंपनी ने किए हैं तो इसमें तो सत्ता का रोल नहीं। हाँ मैं ये मानता हूँ कि सत्ता इस केस को स्पीडिफाई करने के लिए एजेंसियों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन जो कोर्ट्स होते हैं तो कोर्ट एविडेंसेस के बिहाफ पर डिसीजन देते हैं। और अगर ये एजेंसीज राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो सत्ता लाख जोर मार ले, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ठीक है, भरत प्रजापति जी। हेलो,
बिल्कुल आवाज आ रही है हेलो। आपकी, हाँ आवाज आ रही जी, है आपकी थोड़ा नेहा इको जी। हो रही थी, इको। ठीक है भरत जी, भरत हेलो। जी आवाज हाँ आ रही है बोलिए आपको ना। मेरी? हाँ हाँ भरत आ जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए देखिए, अभी जो नेहा जी बता रही थी 2G घोटाले, तो 2G घोटाले में तो सब बरी हो गए भाई। आप कॉमनवेल्थ वेल्थ गेम की बता रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, तो उसके बारे में भी सब बरी हो गए। अब आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लोकतंत्र में लोकशाही देश है, राजा महाराजाओं का नहीं, आप ऐसी बात कर रहे थे। तो भाई योगी जी ने आते ही अपने ऊपर लगे हुए सब मुकदमे वापस क्यों ले लिए थे भाई? चलने देते थे ना आप? इतनी अगर सत्यता आप में रखते हो कि हम इतने ही दूध के नहाए हुए हैं और जनता के लिए तत्पर है, तो आपने योगी जी को कभी एक बार भी कहा कि आपके ऊपर लगे हुए आरोप सब आते ही मुख्यमंत्री बनते ही आपने केस सारे क्यों रफा दफा कर दिए? क्यों सारे मुकदमे वापस ले लिए भाई? और आप बात करते हो इसकी और नाम पूछ रहे थे कि हमारे पे आरोप लगाओ। अरे भाई आप अमित शाह के बच्चे जयेश जयेश शाह का ही ले लो आप। आपके पास पूरा कच्चा चिट्ठा है। 50,000 रुपए से ऐसी कौन सी कंपनी बना ली? आज 16,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के सब कॉन्ट्रैक्ट पीएमएवाई के तहत अमित शाह के लड़के के कंपनी को क्यों दिए जा रहे हैं भाई? आप उस पे बताइए। पिछले एक हफ्ते में 2,180 करोड़ का ड्रग्स आपके शासन गुजरात में पकड़ा जा रहा है भाई। इसमें कितने हाथ है? आपने कितनी ताकत लगा ली भाई उसमें? आज गुजरात एक ड्रग्स का हेडक्वार्टर बनते जा रहा है। आपकी सरकार है, आपके स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वहां के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके ये जो बोट वाले होते हैं उनके, तो आपने कितनी उसमें वो चीज लगा ली भाई? आप ये चीज में बात नहीं करोगे? आप नोटबंदी के फायदे गिना रहे थे, आप उस पे बताइए ना। आज आज 100% के ऊपर नकली नोट आ गए, रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। तो आप वो नोटबंदी के बाद बोल रहे थे नकली नोट नहीं आएंगे, तो इतने सारे कहां से आ गए भाई? आप उसकी जांच करवाइए ना। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग तो नहीं छाप रहे ना, इसकी जांच करवाइए ना। आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करते थे, आज इतनी सत्यता आपके अंदर है। नेहा जी बता रही थी कि हम लोग दूध के नहाए हुए हैं, आप ढूंढ के लाइए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, आपकी इतनी अगर सच्चाई है तो आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और पीएम केयर फंड को क्यों पारदर्शिता में नहीं ला रहे हो? आपने टाटा जैसी कंपनी को 64,000 करोड़ का इंडियन एयरलाइंस 20,000 करोड़ में कैसे बेच सुन दिया, लीजिए अब वो भी सुन 2,000 करोड़ रुपया लेकर? सुन लीजिए आप इस चीज पे बात करिए। अब सुन लीजिए, आप सिर्फ ये बोलोगे कि हम ही है भाई दूध के नहाए हुए हैं, और तो ठीक ये है ठीक है। मैं नेहा जी, नेहा जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। नेहा जी बहुत सारे आरोप लगा दिए भरत प्रजापति ने आपके ऊपर। जी लगाते रहे, इनका काम ही यही है कि ये सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं, और जनता भी अब समझ चुके कि इनकी झूठी बातें हैं, झूठे आरोप हैं, यही इनको जवाब हर राज्य में मिल रहा है। लेकिन क्योंकि उनको दिख रहा है कि विरोध के नाम पे विरोध हो रहा है, कोई सही में विरोध नहीं हो रहा। आज ये स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं, मनसुख मांडविया जी का नाम ले रहे थे, इतना अच्छा जो काम, ये लोग तो ये कहते थे कि 125 करोड़ को इंजेक्शन लगाते लगाते कोरोना का। पहले तो प्लीज मेरी आवाज ठीक करवा दीजिए, इको हो रही है। बिल्कुल जी, तो ये बात कहते थे कि 10 से 20 साल लग जाएंगे, ये बात इनके श्री श्री राहुल गांधी जी बोलते थे, कई बार कई चैनल्स पे बोल चुके हैं। हमने तो 1 साल में पूरा कर दिया, ये बोलते थे प्रवासी मजदूरों के लिए क्या करा है, क्या करा है? 2 साल से उनको राशन फ्री दे रहे हैं, उनको मनरेगा के तहत पैसा ज्यादा दिया जा रहा है, हर जगह प्रोग्रेस हो रही है, कितने सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आईटी का बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। क्यों इन्होंने क्यों नहीं, ये सारी इनकी दूरदर्शिता क्यों नहीं थी, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये अपने राज्यों में इन्होंने वैट तक भी क्यों नहीं घटाया? बार बार पेट्रोल डीजल गैस का दाम बोलते थे, प्रधानमंत्री जी ने इस साल 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई है। आपने अपने राज्यों में कितनी बार वैट घटाया, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। तो इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल है, और वो भी बेबुनियादी सवाल है जिनका ना सर है ना पैर है। और बहुत अच्छी बात है कि बेबुनियादी हम पे एलिगेशंस प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाते हैं या भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाते हैं, और हमारे अंदर और
मोटिवेशन आता है, और अच्छा काम करके दिखाते हैं जिससे कि जनता हमारे को वोट दे। और आपके पास जो दो राज्य बचे हैं ना, आप मुझे तो लग रहा है कि दो भी हाथ से ना चले जाए, इसलिए प्लीज ये एक सिंसियर एडवाइस है, हम आपके लिए विपक्षी है तो आप कम से कम ये एडवाइस हमारी मान लीजिए, थोड़ा हमें कोसने की बजाय ना अपने काम करने पर ज्यादा ध्यान दें। जो जो राज्य आपके पास है वहां आपने क्या डेवलपमेंट की है, छत्तीसगढ़ में आपने क्या डेवलपमेंट की है, इनके तो नेता के ऊपर क्या कहते हैं, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने बड़े इल्जाम लगे हैं, जनता ने लगाए हैं। ईडी का काम है वो बाहर निकालना, जनता जो एलिगेशंस लगाएगी, मैं तो बार बार कह रही हूँ, जनता अगर एलिगेशन किसी भाजपा के कार्यकर्ता पे भी लगाती है तो उसके ऊपर भी जांच होगी, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए ये काम ईडी का है, इन लोगों ने अपने टाइम में ईडी को पपेट बना रखा था या पालतू बना रखा था, तो आज ये इल्जाम ऐसी मतलब एक रेपुटेटेड जो हमारी देश की संस्थाएं हैं उनको कभी पालतू कहते हैं, कभी तोता कहते हैं, तो क्या देश के ऊपर इसका, या विदेशों में, देश में तो छोड़िए उसकी इनको वैसी परवाह नहीं, इनको विदेशी मीडिया पसंद है, अपने देश की मीडिया ही नहीं पसंद, तो विदेशी मीडिया में इस बात का क्या असर जाएगा ये खुद सोचे। जिस तरीके से ये बातें करते हैं, बाहर जाके हिंदुस्तान की बुराई करते हैं है। आप हम बार बार कहते हैं आप मोदी जी की बुराई कीजिए, आप भाजपा की बुराई कीजिए, लेकिन आप देश को पीछे देश पीछे हो रहा है ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि विदेशों में भी दिख रहा है, विदेशी लोगों को दिख रहा है कि हमारा देश प्रधानमंत्री जी के शासन काल में कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, आपको देश पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है दिलीप जी, क्या कांग्रेस ने ही आरोप लगाया है पहली बार के एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, या पहले भी ये हुआ है, लगते रहे यार? हुआ है मैंने कहा ना कि ये एक ट्रेंड है राजनीति का कि जो विपक्ष में है वो हमेशा बेईमान होता है, सत्ता हमेशा ईमानदार होती है, या यूं कह लें कि जो पावर है वो ईमानदार है और जो पावर से बाहर है वो बेईमान है, क्योंकि जब तक आदमी पावर पे रहता है जी तब तक उसके खिलाफ जांच बहुत कम होती है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होती है, और जब वो कुर्सी से उठता है उतरता है तभी उसने क्या किया है ये अपोजिशन आकर के ढूंढता है, और ये पॉलिटिकल राइवलरी है। नेहा जी ने कहा ना कि ऐसे देश में है, नेहा जी ने कहा ना आरोप नहीं लगाना चाहिए, इस तरह एजेंसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, कांग्रेस कर रही है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ ये पैसा पहली बार हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, मैंने कहा ना ये हमेशा होता आया है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने भी यही काम किया है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं किया है, ये सब करते हैं, चाहे स्टेट की पॉलिटिक्स उठा लीजिए, चाहे सेंटर की पॉलिटिक्स उठा लीजिए, हर जगह ये काम होता है। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया क्या, बीजेपी ने ये कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं? फालतू जैसा शब्द हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया किसी सरकारी ऐसी संस्था के लिए, रेपुटेटेड संस्था के लिए, हमने कभी तोता या पालतू, तो आप खुद सोचिए किसको पालतू कह रहे हैं, ये एक ऐसी संस्था जो अपने देश की खुद की बनाई हुई संस्था है उसको पालतू बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, तो ये सिर्फ देश की संस्था का अपमान नहीं है, ये सभी देशवासियों का अपमान है जो कांग्रेस ने किया, और उनको माफी मांगनी चाहिए ऐसे शब्दों के लिए। ठीक है दिलीप जी, मैं आ रहा हूँ भरत जी आपके पास, बीजेपी ने कभी नहीं कहा एजेंसियों के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पालतू पर ये सब गंदी बातें नहीं कही है, कहा होगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक शब्दों की मर्यादा होती है उसमें रह के बोला होगा, और कांग्रेस ने हर मर्यादा तोड़ दी, तोता ये सब नहीं बोलेगी, तो कांग्रेस ने तो पालतू कह के सारी मर्यादा ही खत्म कर दी ना भरत जी। अगर हम राहुल गांधी जी किसी को पालतू बोले तो इनको कैसा लगेगा आप बताइए, कितना गलत शब्द लगेगा ना, तो आप किसी सरकारी संस्था को पालतू बोल सकते हो? भरत जी आवाज नहीं आ रही, तोता पहली बार इधर यूज किया था तो हमारे प्रधानमंत्री ने यूज किया था, ये नेहा जी भूल गई, सुन लीजिए तोता, नहीं तोता किसने बोला, तोता किसने बोला, एजेंसियों को तोता किसने बोला था, ईडी को तोता किसने बोला, पालतू किसने बोला था, ये तोता भी इन्होंने, अरे भाई आप सुन तो लीजिए भाई, कांग्रेस को सुन तो लीजिए, ऐसी एजेंसियां कोई कुत्ता है,
वीडियो देख लीजिएगा, ये देखिए इन्हें 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 अभी मैंने दो तीन सवाल पूछे कि आप लोकतंत्र की बात करते थे, मैं बोलता हूँ चलो सब बेकार थे, सब बेकार थे तो कांग्रेस के 168 सांसद आप लोग ने लिए क्यों भाई, जब चोर लुटेरों के साथ में थे तो आपके पार्टी में आ गए भाई चोर लुटेरे, तो आपने कैसे ले लिए, आप वो चीज का बात बताइए। आप अगर लोकतंत्र की बात करते थे तो मैंने पूछा योगी आदित्यनाथ ने आते ही अपने सारे केस वापस क्यों ले लिए, आप इसके बारे में बात करें। 168 सांसद कौन से, 168 सांसद कौन से बता दीजिए। कुछ भी बोल दो यहाँ पे, कुछ भी बोल दो बैठ के, 168 क्या, 340 बोल दो, मतलब पूरी पूरी लोकसभा विधानसभा राज्यसभा के सारे सांसद हमारे केस चल रहे हैं। इनके पास अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा माहौल चला था, जनता ने आपको नहीं, नहीं आपने आपने भरत जी ये बोला ना, जनता ने भरत जी सुन लीजिए, भरत जी 168 सांसद कौन से ले लिए बीजेपी ने, ले नहीं लिए तो क्या किए, अभी तो आपने कहा है यही तो बोला है, तो आप कुछ भी बोल दोगे लीजिए। अभी इनके अंदर इतने सारे मैं नाम गिना दूंगा, अभी हार्दिक पटेल गए, लेकिन 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 देखिए देखिए 168 सांसद तो नहीं गए ना, 167 है, मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा त्रिशूल जी, आप कोरोना वैक्सीन की बात ऐसे कर रहे हो जैसे प्रधानमंत्री घर घर जाके लगाने गए थे, अरे भाई हम लोगों ने घर घर जाके लगाया, तो जब पूछते हैं बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी, आप बोलिए है कि नहीं, आप बोलिए ना है कि नहीं, आप बीजेपी मतलब हम सभी कार्यकर्ता और देश प्रधान सेवक, देश प्रधान सेवक हमारे लोग प्रधान है, सुन के कांग्रेस भी हम सब है और राहुल गांधी सुप्रधान नहीं है, कांग्रेस मीन गांधी परिवार मीन कांग्रेस, आप जवाब नहीं दे पा रही है तो बीच में जवाब है ना, जवाब है मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया 168 सांसद कब गए थे, उसकी मैं लिस्ट दे दूंगा त्रिशूल जी, आपको भेज दूंगा मैं पूरी लिस्ट, अरे मुझे पांच दस तो नाम गिना दीजिए, गलत नहीं बोल रहे हमारे अगर पूरे, चलिए मैं एक बार नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी आपके पास नेता बताइए, नेहा जी जिनके बताइए ना, आप मुझे ये बताइए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो आपकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी क्यों आए, चलो आप भी बता दो, आपके पास चुनाव लड़ने की पार्टी छोड़ के हमारे पास क्यों आए, नहीं नहीं 2014 है कि आप लोग काम नहीं करने देते थे, आप जनता की सेवा नहीं करने देते थे, आपको हिंदुओं के, चलिए ये चलिए भरत जी, भरत जी, भरत जी ये बताइए कि, भरत जी ये बताइए कि नेशनल हेराल्ड में पेशी होगी और कांग्रेस कितनी तैयार है अपने नेताओं की पेशी के लिए, देखिए तो उसमें कुछ सत्यता है ही नहीं त्रिशूल जी, तो हम तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी करवा के रहेंगे और हमारे नेता उसमें निर्दोष है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, अगर इनको पूछा जाए कि भाई आप रुचि सोया के बारे में बात कर लो तो नहीं बोलेंगे, जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया, आप क्यों बनाया, खाली जवाब ले लीजिए, जवाब पूछ लीजिए क्यों बनाया, जवाब ले लीजिए, बस इसका जवाब दे दो, ले लीजिए। मैं ये कहती हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर आपके नेताओं ने, आपकी श्रीमती सोनिया गांधी ने और श्री श्री राहुल गांधी जी ने अगर कुछ नहीं किया तो जाइए ना कोर्ट में, गए भी हैं तो जो फैसला हुआ आपका कोर्ट का फैसला आपको मंजूर नहीं है, आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं, आपको सीबीआई पे विश्वास नहीं, आपको ईडी पे विश्वास नहीं, आपको हिंदुओं पे विश्वास नहीं, आपको विश्वास नहीं, आपको सरकार पे विश्वास नहीं, आपको देसी मीडिया पे जो हिंदुस्तान की मीडिया उस पर विश्वास नहीं, तो आपको विश्वास किस पे है, तो आपको विश्वास सिर्फ एक ही परिवार पे है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ जो है न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसके हिसाब से चला जाता है, और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, अगर हम लोग बिल्कुल सही है तो कोर्ट ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ, दिलीप जी क्या क्या मोड़ आ सकते हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस को क्या बचाव की आवश्यकता है और कहाँ पर कांग्रेस मात खा सकती है,
देखिए क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट एविडेंसेस के बिहाफ पर क्या डिसीजन देगी ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन लेकिन जिस तरह से दिलीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी, ठीक है, भारत प्रजापति जी, कांग्रेस कितनी तैयार है अपनी लड़ाई के लिए? देखिए इसके पहले भी हमारे नेता राहुल गांधी पे कितने एफआईआर कितने केस हुए थे, हर जगह पर बीचा बीच में कोर्ट ने उल्टा ही इनको फटकारा है। तो ऐसा नहीं है कि हम वहां से छोड़ के भागते, हमारे नेता ने भी हर जगह पे पेशी किया और अपने रूप में जो भी थे जवाब दिए हैं, तो कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, उसका कोई हमें वो नहीं, और हम जाएंगे। ठीक है, ठीक हमारे नेता वहाँ निर्दोष है, उसका सम्मान है, अगर कोर्ट का कुछ भी नियम कानून होगा हम उसका पालन करेंगे। ठीक है, बाकी है ये इनकी इनकी, मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप हर्षवर्धन जी, इस लड़ाई के लिए कांग्रेस जो बात कर रही है, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, कितनी तैयार दिखाई देती है, कितना कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई देता है? इसमें देखिए कार्यकर्ताओं का कहीं कोई रोल नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई रोल तो है। ये क्यों कह रहे हैं कि लड़ेंगे झुकेंगे नहीं, तमाम बातें क्यों की जा रही है? नहीं, क्यों, मैंने तो ये क्यों इसको राजनीतिक जमीन बुलाया जा रहा है? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हर तरफ से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, अच्छा होता है तो भी और बुरा होता है तो भी। अच्छा होता है तो अपना अचीवमेंट बता करके पॉलिटिकल माइलेज देते हैं, और खराब हो जाता है तो सिंपथी का माइलेज देने की कोशिश करते हैं, और ये सब करते हैं, कांग्रेस ही नहीं कर रही, सब करते हैं। इसमें ना तो कार्यकर्ताओं का कहीं कोई रोल है, ना कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई रोल है। इसमें रोल है सोनिया जी का, राहुल जी का, और सबसे बड़ा रोल है जो एविडेंसेस हैं, जो ट्रांजेक्शंस हैं, और उनके ऊपर कानून। तो कानून के दायरे में जो कंपनी, जो कंपनी लॉ है, जो शेयर ट्रांसफर करने के लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश करता है कैसे होना चाहिए, जो एसेट अगर लोअर साइड में बेची गई है, टैक्सेस की चोरी की गई है, तो ये देखना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, इनकम टैक्स एक्ट है उसके लिए। अगर कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तो उसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और ये सारे के सारे लोग अपने अपने रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद कोर्ट उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, एविडेंसेस को एग्जामिन करेगा, किसके फेवर में एविडेंसेस हैं, किसके अगेंस्ट में है, ये डिसीजन लेना कोर्ट का काम है। तो राहुल जी और सोनिया जी के पास सिर्फ इतना काम है कि वो अपने सपोर्ट में जो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग एविडेंसेस और फैक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट के सामने और एजेंसी के सामने, वो ये प्रोड्यूस करें, क्योंकि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैं उसको ये नकार नहीं सकते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये नकार नहीं सकते हैं, जो ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनको ये नकार नहीं सकते हैं, कंपनी बेची गई है, शेयर्स का ट्रांसफर हुआ है, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, जो लीगली रिकॉर्डेड है, जिनका स्टैचुरी कंप्लायंस किया गया है, तो उस स्टैचुरी कंप्लायंस को कोई ना तो इग्नोर कर सकता है, ना डिनाई कर सकता है, ना ही कोई इसमें कोई एडिशन कर सकता है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी चाहेंगे तो उसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते हैं, ना ही कांग्रेस उसमें से कुछ हटा सकती है। तो जो हो चुका है वो सही है कि नहीं है, कानून के दायरे में है कि नहीं है, जो स्टैचुरी बाउंड्रीज बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, विदिन दैट बाउंड्री है कि नहीं है, ये मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, जब सारा मामला कोर्ट से ही तय होना है तो फिर क्यों ये, मैं आऊँगा नेहा जी, आ रहा हूँ आपके पास, क्यों ये फिर राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, क्यों बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस? नेहा जी चलिए मैं आता हूँ, नेहा जी। हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बार बार इसे ये विक्टिम कार्ड खेलना कांग्रेस बंद करे, ये न्यायिक प्रक्रिया है। हेराल्ड केस में जब अपने आप ये कानून के दायरे में रह के जो एविडेंसेस हैं उसके बिहाफ पे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, तो जब कोर्ट ने फैसला सुनाना है, जो भी तथ्य होंगे, एविडेंसेस होंगे उनके आधार पर, तो इसे बार बार रेड डेटा क्यों कहा जा रहा है, ये बात नहीं समझ आती। बार बार बोलते हैं कि चुनाव आते ही इनकी ईडी जो है वो ईडी जो पालतू है वो अपने काम करना शुरू कर देती है। अरे आप साल भर में कितने चुनाव होते हैं आप मुझे बताइए, हर महीने चुनाव होता है, और सारे चुनावों में आप हारते जा रहे हैं, तो ये ईडी की वजह से नहीं, ये आपकी लोकप्रियता क्यों कम हो
सामने आया आप कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार, और यही कारण है कि जनता, आप कितने भी लुभावने वादे अभी आपने यूपी में किए, कितने लुभावने किए, दे स्कूटी देंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लोगों को समझ आ गया लेकिन बाकी कहीं नहीं लड़ते, और बाकी कहीं अगर महिलाओं का अत्याचार कांग्रेस चुप कर जाती है, और स्कूटी का वादा किया, लैपटॉप का वादा किया, उसके बावजूद जनता इनकी बात पे नहीं आई। तो इसका मतलब यह कि जनता समझ चुकी है आपकी जुबान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अभी ये केस जो है नेशनल हेराल्ड केस, ये कोर्ट के पास है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी मुझे लगता है सबको मंजूर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट अपना काम कर रही है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। दिलीप यशवर्धन जी, सब जब मामला राजनीतिक नहीं है तो राजनीतिक टिप्पणियां क्यों आ रही है इस तरह से? अरे जी, राजनीतिक टिप्पणियां बिल्कुल आएंगी, क्योंकि मामला राजनीतिक हो ना हो लेकिन राजनीतिक लोगों से तो जुड़ा हुआ है ना। जो पिटिशनर है वो भी राजनीतिक है, और जो जो अपोनेंट है वो भी राजनीतिक है। तो जब दोनों पार्टियां राजनीति से जुड़ी हुई है, और ये मामला पूरी तरीके से राजनीति से जुड़ा है, क्योंकि जो फाउंडर है कंपनी के AJL के, वो भी राजनीतिक व्यक्ति थे। जो नई कंपनी बनी है यंग इंडिया, उसके भी जो डायरेक्टर्स हैं वो भी राजनीति से जुड़े हैं, पिटिशनर राजनीति से जुड़ा है, और पैसा जो गया है वो भी राजनीतिक पार्टी के फंड से गया है। तो जब सारी चीजों में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है तो इस मामले में पॉलिटिक्स क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, जाहिर सी बात है। यहाँ तो उन चीजों पे पॉलिटिक्स हो जाती है जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है, फिर ये मामला तो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पिटीशन भी पॉलिटिकल राइवलरी के चलते ही करी गई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये जो किया है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ही किया है, अदरवाइज तो दुनिया में बहुत सारी चीजें और भी हो रही है, बहुत सारी चीजें गलत हो रही है जो सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी पता है, लेकिन इसी केस में जोर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है, और पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी हैं तो पॉलिटिक्स होगी ही होगी। भरत प्रजापति जी, कांग्रेस हर जगह से घिरी हुई है, और ये वर्तमान दौर में कांग्रेस को सिद्ध करना होगा कि कांग्रेस बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन साबित नहीं हो पा रहा है। देखिए सुन जी, जैसे नेहा जी अभी बता रहे थे कि हम लड़की हो लड़ सकती हो, तो भाई इनसे पूछता हूँ हाथ रस की बेटी के साथ कौन खड़ा था? आप बताइए ना, आधी रात को अगर उसका अंतिम दाह किया, जो हिंदू धर्म में आप हिंदू धर्म की बात बहुत करते हो, तो हिंदू धर्म के अनुसार आधी रात को किसी अंतिम संस्कार होता है क्या किसी का? अंतिम दाह होता है? देखिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इसका नेशनल हेराल्ड से क्या लेना? नहीं, नेशनल हेराल्ड से नहीं है, नेहा जी जो बता रही थी मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो तो मेरे सवाल का जवाब देंगे नहीं। मैंने दो चार चीजें पूछी, योगी आदित्यनाथ ने केस वापस क्यों ले लिए भाई आते ही, ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं था क्या? अमित शाह जी के बेटे का क्या हो गया, वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना लिया, उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं उस चीज में बता रहा हूँ, बाकी रही बात हमारे नेता की, आप त्रिशूल जी उठा के देख लीजिए, उनपे कई कई राज्यों में केस हुए थे, आप भी नेशनल हेराल्ड मामले में खुला पत्र जारी कर दीजिए, देखिए ये हमारी गलती नहीं थी, ये नहीं थी, अगर आप इतने ही सच पे आ रहे हैं तो। नेहा जी, मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि ये बोल रहे हैं बार बार जय शाह जी का नाम ले रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जी का, पहले एक बात बताइए आपके कहने से क्या होता है, आप इल्जाम लगा रहे हैं, जनता इल्जाम नहीं लगा रही, या कोई ऐसे लोग, आप तो वेंडेटा किसे कहते हैं कि बेवजूल में किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बिना तथ्यों के, बिना एविडेंसेस के, इसे ही कहते हैं वेंडेटा, इसे वेंडेटा नहीं कहते जो हमने नहीं किया, जो जनता ने आरोप आप लोगों पे लगाए हैं भ्रष्टाचार के, मैंने बताया जैसे 2G, कॉमनवेल्थ गेम, नेशनल हेराल्ड, और ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें आप लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं। सुन लीजिए भरत जी, सुन लीजिए मैं आपके पास आ जाऊंगा, सुन लीजिए आपका भी जवाब ले लूंगा, भरत जी सुन लीजिए भाई, आपका जवाब ले लूंगा मैं,
भारत जी सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, इनको यही तो अगर आप दोनों बोलेंगे तो लोग क्या समझेंगे? कुलदीप सेंगर कौन था बताइए ना, आपने किसानों के बेटे पे जिसने आपके आपके नेतृत्व में गाड़ी चला दी, लखीमपुर कौन था उसका कैसा देना है? ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा दोनों के पास। दिलीप जी, दिलीप जी क्या नहीं लगता कि सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भरत जी, 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 भरत प्रजापति जी, भरत प्रजापति जी, इनको जनता निकाल चुकी है अपने दिलों से इनके झूठ की वजह से, यही रीजन है कि जनता नेहा जी बातों पे विश्वास नहीं करती। नेहा जी, दिलीप हर्षवर्धन जी जो मामले इस तरह के हैं, जो लगता है कि कहीं इनसे देश में अहित हुआ है या कहीं जनभावनाओं से जुड़े हुए हैं, जनभावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करने के मामले हैं, नहीं लगता कि इसमें एकीकृत एजेंसी बना के और एक सुनवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि लोगों को पता चल सके क्या आखिर? त्रिशूल जी, त्रिशूल जी, इसमें जनभावनाओं के कहां बात आ गई? ये एक कंपनी का, एक कंपनी से ट्रांजैक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी का एक कंपनी से ट्रांजैक्शन है, इसमें जनभावनाएं कहां? लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से तो जुड़ी हुई है ना जनभावनाएं, लोगों ने तो दिया ही ना चंदा अपना। नहीं नहीं नहीं, जनभावनाओं से कोई मतलब नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उससे सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है 90 करोड़ रुपए। बाकी सोनिया जी, राहुल जी इसके अगर अध्यक्ष हैं और पार्टी के फाउंडर हैं तो उन्हें बिजनेस करने अलाउड है, वो किसी कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, जिस देश का कानून अलाउ करता है। तो पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों सेपरेट हैं, इनका आपस में कहीं कोई क्लैश नहीं है। और इस वाले केस में जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है और ना ही जन भावनाओं को लेकर पेच कहां फंसा हुआ है? नहीं, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। मैंने कहा ना कि पेच, चूंकि इस देश में जो राजनीति है वो बच्चा बच्चा करता है, गली गली में होती है, जिसको राजनीति की समझ नहीं होती है वो भी अपने राजनीति के दांव पेच गिनाता है, बताता है। फिर ये मामला तो राजनीतिक लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो राजनीति होना जाहिर सी बात है। और देश के बड़े राजनीतिक घराने का मामला है, उस घराने का मामला है, उस पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है जिसने दशकों तक इस देश के ऊपर राज किया है, और उस व्यक्ति की बनाई हुई कंपनी है जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के आजादी के बाद से, और उन्हीं की फैमिली हायरार्की चली आ रही है। तो मामला तो बड़ा है, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट्स कहीं कोई जुड़े हुए बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। नेहा शालिनी जी, भरत प्रजापति जी, दिलीप हर्षवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस हर तरह से कटघरे में खड़ी है और उसे अपने आप को बेदाग साबित करना है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो अपने आप को बेदाग साबित करने में जो समय लगा रही है, वहीं कहीं ना कहीं जनता का भरोसा उससे टूट रहा है, विश्वास उठ रहा है, और वो विश्वास उसे अर्जित करना होगा समय रहते। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।